लेकिन दहेज के लिए जो बेटी के पिता को मजबूर करते हैं, जो बेटी के दहेज से ही धनवान बनना चाहते हैं, वो ना मर्द नपुंसक और बेटियों के हत्या के जिम्मेदार भी है। जिस भारत को विश्व गुरु माना जाता है, उस भारत का एक पिता अपने बेटे को जानवर की तरह बेचकर दहेज मांग रहा है। धिक्कार है ऐसे पिताओं के लिए। कभी समय मिले तो विवाह पद्धति में कन्यादान संकल्प को पढ़ना। वहां लिखा है, अमुक नामनी कन्याम लक्ष्मी रूपाम अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय विष्णु रूपाय पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। जब पिता संकल्प करता है तो कहता है कि मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को विष्णु स्वरूप वर के लिए पत्नी के रूप में समर्पित करता हूं। यानी कि कन्यादान के समय बेटी को लक्ष्मी का रूप कहा है और वर को विष्णु का रूप। और जब माता लक्ष्मी ही हमारे घर में बहू बनकर आ रही है तो महाराज दहेज मांगने की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर बहू संस्कारी मिल जाए तो बिना दहेज दिए ही तुम्हें प्रसन्न कर देगी, तुम्हें धनवान कर देगी। और अगर बहू ही संस्कारहीन हुई तो कितना भी दहेज मांग लो लेकिन फिर भी तुम बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए दहेज के चक्कर में ना पड़कर हमेशा गुणवती कन्या का ही कन्यादान लो, गुणवती कन्या को ही, संस्कारी कन्या को ही लक्ष्मी के रूप में प्राप्त